أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ओ खुदा जल। बहुत ही बाबरकत है जिसने अपने बंदे पर कुरान नाजिल फरमाया ताकि अहल आलम को हिदायत करे वही के आसमानों और जमीन की बादशाही उसी की है और जिसने किसी को बेटा नहीं बनाया और जिसका बादशाही में कोई शरीक नहीं और जिसने हर चीज को पैदा किया फिर उसका एक अंदाजा ठहराया लोगों ने उसके सिवा और मबूद बना लिए हैं जो कोई चीज भी पैदा नहीं कर सकते और खुद पैदा किए गए हैं और न अपने नुकसान और नफे का कुछ इख्तियार रखते हैं और न मरना उनके इख्तियार में है और न जीना और न मरकर उठ खड़े होना और काफिर कहते हैं कि ये कुरान मन घड़त बातें हैं जो इस मुद्दय रिसालत ने बना ली है और, और लोगों ने इसमें उसकी मदद की है ये लोग ऐसा कहने से जुल्म और झूठ पर उतर आए हैं और कहते हैं कि ये पहले लोगों की कहानियां हैं जिनको उसने जमा कर रखा है और वो सुबह शाम उसको पढ़ पढ़ कर सुनाई जाती है के तो के इसको उसने उतारा है जो आसमानों और जमीन की पोशीदा बातों को जानता है बेशक वो बख्शने वाला मेहरबान है और कहते हैं ये कैसा पैगंबर है कि खाना खाता है और बाजारों में चलता फिरता है इस पर कोई फरिश्ता क्यों नाजिल नहीं किया गया कि इसके साथ हिदायत करने को रहता उसकी तरफ आसमान से खजाना उतारा जाता या उसका कोई बाग होता कि उसमें से खाया करता और जालिम कहते हैं कि तुम तो एक जादू जादूजदा शख्स की पैरवी करते हो ऐ गंबर वाली वसल्लम, देखो तो ये तुम्हारे बारे में किस किस तरह की बातें करते हैं सो गुमराह हो गए और रास्ता नहीं पा सकते तो खुदा बहुत बाबरकत है जो अगर चाहे तो तुम्हारे लिए इससे बेहतर चीजें बना दे यानी बागात जिनके नीचे नहरें बह रही हों नीज तुम्हारे लिए महल बना दे बल्कि ये तो कयामत ही को झुटलाते हैं और हमने कयामत के झुटलाने वालों के लिए दोजख तैयार कर रखी है जिस वक्त वो उनको दूर से देखेगी तो गजब नाक हो रही होगी और ये उसके जोशे गजब और चीखने चिल्लाने को सुनेंगे जब ये दोजख की किसी तंग जगह में जंजीरों में जकड़ डाले जाएंगे तो वहां मौत को पुकारेंगे आज एक ही मौत को न पुकारो बहुत सी मौतों को पुकारो पूछो कि यह बेहतर है या बहिश्ते जावेदानी जिसका परहेजगारों से वादा है ये उनके अमलों का बदला और रहने का ठिकाना होगा वह जो चाहेंगे उनके लिए मैसर होगा हमेशा उसमें रहेंगे ये वादा खुदा को पूरा करना लाजिम है और इस लायक है कि मांग लिया जाए जिस दिन खुदा इनको और उनको जिन्हें ये खुदा के सिवा पूछते हैं जमा करेगा तो फरमाएगा क्या तुमने मेरे इन बंदों को गुमराह किया था या ये खुद गुमराह हो गए थे वो कहेंगे तू पाक है हमें ये बात शाया न थी कि तेरे सिवा औरों को दोस्त बनाते लेकिन तूने ही उनको और उनके बाप दादा को बरतने को नेमतें दी यहां तक कि वो तेरी याद को भूल गए और ये हलाक होने वाले लोग थे तो काफिरो उन्होंने तो तुमको तुम्हारी बात में झुठला दिया बस अब तुम अजाब को ना फेर सकते हो न किसी से मदद ले सकते हो और जो शख्स तुम में से जुल्म करेगा हम उसको बड़े अजाब का मजा चखाएंगे और हमने तुमसे पहले जितने पैगंबर भेजे हैं सब खाना खाते थे और बाजारों में चलते फिरते थे और हमने तुम्हें एक दूसरे के लिए आजमाइश बनाया क्या तुम सब्र करोगे और तुम्हारा परवरदिगार तो देखने वाला है जो लोग हमसे मिलने की उम्मीद नहीं रखते कहते हैं कि हम पर फरिश्ते क्यों न ना नाजिल किए गए या हम आंख से अपने परवरदिगार को देख लें ये अपने ख्याल में बड़ाई रखते हैं और इसी बिना पर बड़े सरकश हो रहे हैं जिस दिन ये फरिश्तों को देखेंगे उस दिन गुनाहगारों के लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी और कहेंगे खुदा करे तुम रोक लिए और बंद कर दिए जाओ जो उन्होंने अमल किए होंगे हम उनकी तरफ मुतवजो होंगे तो उनको उड़ती खाक कर देंगे उस दिन अहल जन्नत का ठिकाना भी बेहतर होगा और मकाम इस भी खूब होगा और जिस दिन आसमान अब्र के साथ फट जाएगा और फरिश्ते नाजिल किए जाएंगे उस दिन सच्ची बादशाही खुदा ही की होगी और वो दिन काफिरों पर सख्त मुश्किल होगा और जिस दिन नाकबत अंदेशिम अपने हाथ काट काट खाएगा और कहेगा कि ए काश मैंने पैगंबर के साथ रास्ता इख्तियार किया होता आए शामत काश मैंने फुला शख्स को दोस्त न बनाया होता उसने मुझको किताब नसीहत के मेरे पास आने के बाद बहका दिया और शैतान इंसान को वक्त पर दगा देने वाला है और पैगंबर कहेंगे कि ए परवरदिगार मेरी कौम ने इस कुरान को छोड़ रखा था और इसी तरह हमने गुनाहगारों में से हर पैगंबर का दुश्मन बना दिया और तुम्हारा परवरदिगार हिदायत देने और मदद करने को काफी है और काफिर कहते हैं कि इस पर कुरान एक ही दफा क्यों नहीं उतारा गया इस तरह आहिस्ता आहिस्ता इसलिए उतारा गया कि इससे तुम्हारे दिल को कायम रखें और इसी वास्ते हम इसको ठहर ठहर कर पढ़ते रहे हैं और ये लोग तुम्हारे पास जो एतराज की बात लाते हैं हम तुम्हारे पास उसका माकूल और खूब मुशर्रह जवाब भेज देते हैं जो अपने मुंहों के बल दोजक की तरफ जमा किए जाएंगे उनका ठिकाना भी बुरा है और वो रस्ते से भी बहके हुए हैं और हमने मूसा को किताब दी और उनके भाई हारून को मददगार बनाकर उनके साथ मिला दिया कहा कि दोनों उन लोगों के पास जाओ जिन्होंने हमारी आयतों की तकजीब की जब तकजीब पर अड़े रहे तो हमने उनको हलाक कर डाला और नूह की कौम ने भी जब पैगंबरों को झुटलाया तो हमने उन्हें गर्क कर दिया और लोगों के लिए निशानी बना दिया और जालिमों के लिए हमने दुख देने वाला अजाब तैयार कर रखा है और आद और समूद और कुएं वालों और उनके दरमियान और बहुत सी जमातों को भी हलाक कर दिया और सबके समझाने के लिए हमने मिसालें बयान की और न मानने पर सबका तहस नहस कर दिया और ये काफिर उस बस्ती पर भी गुजर चुके हैं जिस पर बुरी तरह का कमे बरसाया गया था वो उसको देखते ना होंगे बल्कि उनको तो मरने के बाद जी उठने की उम्मीद ही नहीं और ये लोग जब तुमको देखते हैं तो तुम्हारी हंसी उड़ाते हैं कि क्या यही शख्स है जिसको खुदा ने पैगंबर बनाकर भेजा है अगर हम अपने मबूदों के बारे में साबित कदम न रहते तो यह जरूर हमको बहका देता और उनसे फेर देता और यह अन मालूम कर लेंगे जब आज आप देखेंगे कि सीधे रास्ते से कौन भटका हुआ है क्या तुमने उस शख्स को देखा जिसने खािश नफ्स को माबूद बना रखा है तो क्या तुम उस पर निगहबान हो सकते हो या तुम यह ख्याल करते हो कि उनमें अक्सर सुनते या समझते हैं नहीं ये तो चौपायों की तरह के हैं बल्कि उनसे भी ज्यादा गुमराह है भला तुमने अपने परवरदिगार की कुदरत को नहीं देखा कि वो साय को किस तरह दराज करके फैला देता है और अगर वो चाहता तो उसको बेहरकत ठहरा रखता फिर सूरज को उसका रहनुमा बना देता है फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता अपनी तरफ समेट लेते हैं और वही तो है जिसने रात को तुम्हारे लिए पर्दा और नींद को आराम बनाया और दिन को उठ खड़े होने का वक्त ठहराया वही तो है जो अपनी रहमत के मेह के आगे हवाओं को खुशखबरी बनाकर भेजता है और हम आसमान से पाक और निथरा हुआ पानी बरसाते हैं तब से शहर मुर्दा यानी जमीन उफ्तादा को जिंदा कर दें और फिर हम उसे बहुत से चौपायों और आदमियों को जो हमने पैदा किए हैं पिलाते हैं और हमने इस कुरान की आयतों को तरह तरह से लोगों में बयान किया ताकि नसीहत पकड़े मगर बहुत से लोगों ने इनकार के सिवा कबूल न किया अगर हम चाहते तो हर बस्ती में डराने वाला भेज देते तुम काफिरों का कहा ना मानो और उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े शद्दोमद से लड़ो और वही तो है जिसने दो दरियाओं को मिला दिया एक का पानी शीरी है प्यास बुझाने वाला और दूसरे का खारी छाती जलाने वाला और दोनों के दरमियान एक आड़ और मजबूत ओट बना दी और वही तो है जिसने पानी से आदमी पैदा किया फिर उसको साहिब नस्ब और साहिब कराबत दामादी बनाया और तुम्हारा परदिगार हर तरह की कुदरत रखता है और ये लोग खुदा को छोड़कर ऐसी चीज की परस्तिश करते हैं कि जो ना उनको फायदा पहुंचा सके और ना नुकसान और काफिर अपने परवरदिगार की मुखालिफत में बड़ा जोर मारता है और हमने ए मोहम्मद सल्लास तुमको सिर्फ खुशी और अजाब की खबर सुनाने को भेजा है तो मैं तुमसे इस काम की उजरत नहीं मांगता हाँ जो शख्स चाहे अपने परवरदिगार की तरफ जाने का रास्ता इख्तियार कर ले तो लगी लगी जिस आसमानों और जमीन को और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है छह दिन में पैदा किया फिर अर्श पर जा ठहरा वो जिसका नाम रहमान यानी बड़ा मेहरबान है तो उसका हाल किसी बाबर से दरियाफ्त कर लो और जब इन कुफ्फार से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो कहते हैं कि रहमान क्या क्या जिसके लिए तुम हमसे कहते हो हम उसके आगे सजदा करें और इससे बिदकते हैं और खुदा बड़ी बरकत वाला है जिसने आसमानों में बुर्ज बनाए और उनमें आफ्ताब का नेहायत रोशन चराग और चमकता हुआ चांद भी बनाया और वही तो है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे आने जाने वाला बनाया ये बातें उस शख्स के लिए जो गौर करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे सोचने और समझने की हैं और खुदा के बंदे तो वो हैं जो जमीन पर आहिस्तगी से चलते हैं और जब जाहिल लोग उनसे जाहिलाना गुफ्तु करते हैं तो सलाम कहते हैं वो जो अपने परवरदिगार के आगे सजदे करके और इज्जो अदब से खड़े रहकर रातें बसर करते हैं वो जो दुआ मांगते रहते हैं कि ए परवरदिगार दोजक के अजाब को हमसे दूर रखियो कि उसका अजाब बड़ी तकलीफ की चीज है और दोजक ठहरने और रहने की बहुत बुरी जगह है वो कि जब खर्च करते हैं तो ना बेजा उड़ाते हैं और ना तंगी को काम में लाते हैं बल्कि एतदाल के साथ ना जरूरत से ज्यादा न कम और वो जो खुदा के साथ किसी और मबूद को नहीं पुकारते और जिस जानदार को मार डालना खुदा ने हराम किया है उसको कत्ल नहीं करते मगर जायज तरीक यानी शरीयत के हुक्म से और बदकारी नहीं करते और जो ये काम करेगा सख्त गुनाह में मुबतला होगा कयामत के दिन उसको दूना अजाब होगा और और ख़ारी से हमेशा उसमें रहेगा जिसने तोबा की और ईमान लाया और अच्छे काम किए तो ऐसे लोगों के गुनाहों को खुदा नेकियों से बदल देगा और खुदा तो बख्शने वाला मेहरबान है और जो तोबा करता और अमल नेक करता है तो बेशक वो खुदा की तरफ रुजू करता है और वो जो झूठी गवाही नहीं देते और जब उनको बेहुदा चीजों के पास से गुजरने का इत्तेफाक हो तो बुजुर्गाना अंदाज से गुजरते हैं और वो के जब उनको परवरदिगार की बातें समझाई जाती हैं तो उन पर अंधे और बहरे होकर नहीं गिरते बल्कि गौर और फिक्र से सुनते हैं और जो खुदा से दुआ मांगते हैं कि हमको हमारी बीवियों की तरफ से दिल का चैन और औलाद की तरफ से आंख की ठंडक कता फरमा और हमें परहेजगारों का इमाम बना इन सिफात के लोगों को उनके सब्र के बदले ऊंचे ऊंचे महल दिए जाएंगे और वहां फरिश्ते उनसे दुआ और सलाम के साथ मुलाकात करेंगे उस वो हमेशा रहेंगे और वो ठहरने और रहने की बहुत ही उम्दा जगह है कह दो कि अगर तुम खुदा को नहीं पुकारते तो मेरा परवरदिगार भी तुम्हारी कुछ परवाह नहीं करता तुमने तकजीब की है सो उसकी सजा तुम्हारे लिए लाजिम होगी